జ్యోతి యాదాద్రి. బీజేపీ జాతీయ కౌన్సిల్ సమావేశాల్లో మోదీ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ చూద్దాం. హమ్ పర్ నహీ హై, హమ్సే పహలే కి సర్కార్ ఉన్కా జో కార్యకాల్ థా ఉస్నే దేశ్ కో బహుత్ అంధేరే మే దకేల్ దియా థా. అగర్ మే కహూ కి భారత్ నే 2004 से 2014 के महत्वपूर्ण 10 साल घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों में गंवा दिए तो गलत नहीं होगा. 21वीं सदी की शुरुआत में ये 10 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण थे. जैसे मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश की तस्वीर कुछ और होती. वैसे ही आज ये भी कहना चाहता हूं कि 2000 के चुनावों के बाद अगर अटल जी प्रधानमंत्री बने रहते तो आज भारत कहीं और होता. वर्ष 2000 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने देश को उस अंधेरे से, उस बेचैनी से, उस घबराहट से बाहर निकालने का काम किया है. देश में और देश के लोगों में जो आत्मविश्वास खो गया था उसे वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है. अब देश ईमानदारी की ओर चल पड़ा है. इतने सारे लोगों का स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ना, रेलवे रिजर्वेशन के दौरान रियायतें छोड़ देना, बड़ी संख्या में उद्यमियों का जीएसटी से जुड़ते चले जाना, आयकर देने वालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश का जनमानस अब स्वयं को राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे आ रहा है. उसे विश्वास है कि वो जो टैक्स देता है उसकी पाई पाई का सही इस्तेमाल इस सरकार द्वारा किया जा रहा है. ये विश्वास ही हमारी ताकत है, हम पर आशीर्वाद है. साथियों, भाजपा सरकार के इस कार्यकाल ने यह साबित किया है कि देश बदल सकता है और सामान्य नागरिक के हित में बदल सकता है. भाजपा के सरकार के कार्यकाल ने यह साबित किया है कि देश में सरकार बिना भ्रष्टाचार के भी चलाई जा सकती है. भाजपा सरकार के कार्यकाल ने यह साबित किया है कि जब देश में स्थायी परिवर्तन लाने वाले कड़े और बड़े फैसले लिए जाते हैं तो पूरा देश एक होकर उसका साथ देता है. भाजपा सरकार के कार्यकाल ने ये साबित किया है कि सत्ता के गलियारों में चहल पहल करते दलालों को भी बाहर किया जा सकता है. साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास के मार्ग पर चल रही है. विकास के हमारे मंत्र का मूल है सबका साथ
సబ్కా వికాస్ ఆర్